हेलो नमस्ते शश्रीयकाल। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं लेके आई हूँ एक व्रत की रेसिपी साबुदाना खिचड़ी, और कुछ इजी और सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर आप इस तरह के बिल्कुल खिले खिले साबुदाना खिचड़ी घर में बनाकर तैयार कर सकते हो। तो चलिए साबुदाना खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। साबुदाना खिचड़ी बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है, आप इसे नोट डाउन कर लें। साबुदाना खिचड़ी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल में 100 ग्राम साबुदाना ऐड करें और इसे जेंटली 2 से 3 बार साफ पानी से धो लें। साबुदाना खिचड़ी बनाने में साबुदाना को सोक करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। तो अगर आपने 1 कप साबुदाना लिया है तो आपको इसमें केवल 1 कप वाटर ही डालना है सोक करने के लिए। इससे ज़्यादा वाटर बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो आपके साबुदाने स्टिकी हो जाएंगे और ये खिले खिले बन के तैयार नहीं होंगे। मैंने 1 कप वाटर ऐड कर दिया है और आप देख सकते हो वाटर बिल्कुल साबुदाना के लेवल में है, और इतना ही पानी हमें ऐड करना है साबुदाने को सोक करने के लिए। तो अब आप इसे ढककर 4 घंटे के लिए छोड़ दें। आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट साबुदाना सोक्ड होकर तैयार हुआ है, और इसमें हमने परफेक्ट वाटर ऐड किया था इसलिए इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं बचा है। अगर आपके साबुदाने में वाटर रह जाए तो आप इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लें। तो आप एक सिंपल स्टेप फॉलो कर मोतियों जैसे खिले खिले साबुदाना सोक कर सकते हो। और अब मैं आपको बताऊँगी कि साबुदाना कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप इसे उंगलियों के बीच में प्रेस करें, अगर ये अच्छे से मैश हो जा रहा है इसका मतलब है कि साबुदाना हमारे परफेक्ट सोक होकर तैयार है। गैस ऑन करके एक पैन चढ़ाएं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमें काफ़ी कम घी या ऑयल का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून घी ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा घी या ऑयल डालेंगे तो साबुदाना खिचड़ी खिली खिली बनकर तैयार नहीं होगी। 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा डालेंगे। अगर आप इसे फास्ट में खाते हैं तो ही ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च जिसे मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है, आप चाहे तो इसे बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं। 7 से 8 पीस करी पत्ता डालकर हम इसे 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च और करी पत्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब आप इसमें ऐड करें 2 मध्यम आकार के उबले हुए आलू जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और इसे डालकर आप इसे 1 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे हल्का सुनहरा होने तक भून लें। आलू हल्के सुनहरे भुन के तैयार हैं। तो अब आप इसमें 2 टीस्पून रोस्टेड पीनट्स ऐड करें और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। और अब आप इसमें सोक्ड साबुदाना डालें, स्वादानुसार सेंधा नमक, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, और अब हम डाल रहे हैं रोस्टेड पीनट्स जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, और इसे डालने से साबुदाना खिचड़ी को एक क्रंचीनेस फ्लेवर मिलेगा। और अब आप इसे एक बार जेंटली मिक्स कर दें। 1/2 नींबू का रस डालेंगे, और अगर आपको खट्टी मीठी साबुदाना खिचड़ी बनानी है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे ढककर लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लें। 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम ढक्कन हटाएंगे और आप देख सकते हो कि साबुदाना ट्रांसलूसेंट हो चुका है। इसका मतलब है कि साबुदाना खिचड़ी अच्छी तरह से पककर तैयार है, और आप देख सकते हो ये बिल्कुल खिली खिली है, एक दूसरे में बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़े सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और अब आप गैस ऑफ कर दें और इसे एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर लें। साबुदाना खिचड़ी को आप वर्थ वाले दही या चटनी के साथ परोस सकते हो।
अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सो हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।